ओके बच्चों, फिर से टू ब्लॉक्स इन सिस्टम पढ़ेंगे, लेकिन पिछली बार हमने ग्राउंड फ्रेम में पढ़ा, इस बार पढ़ेंगे हम इन सेंटर ऑफ मास फ्रेम। चलो तो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी निकालते हैं। पहले तो क्या होती है, एम वन वी वन प्लस एम टू वी टू अपॉन एम वन प्लस एम टू। अच्छा, वी नॉट बाई टू सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी आ गई भाई, सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी आ गई वी नॉट बाई टू। क्या सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी कोई बदलेगी? नहीं बदलेगी, क्योंकि सिस्टम में नेट फोर्स हमेशा ही जीरो है। के एक्स इधर है तो के एक्स इधर भी है। अरे जितना फोर्स इधर है उतना ही फोर्स इधर है, बोलो, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। थोड़ी देर बाद मान लो इधर फोर्स है, जितना इधर है उतना इधर है स्प्रिंग की वजह से, बोलो सही बात है ना। तो नेट फोर्स क्या है, हमेशा जीरो है। तो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी वी नॉट बाय टू विल रिमेन कॉन्स्टेंट, बदलेगी नहीं। तो मैं सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में जा रहा हूँ, ये सेंटर ऑफ मास का फ्रेम, सेंटर ऑफ मास का फ्रेम है, सेंटर ऑफ मास खुद चल रहा है वी नॉट बाय टू से। अब सेंटर ऑफ मास वी नॉट बाय टू से चल रहा है तो ये नेचुरल लेंथ है, इसे बैठ जाओ, ऑब्जर्वर बन के इस पर बैठ जाओ, ठीक है, नेचुरल लेंथ है। तो वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक माइनस वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, यही होता है। तो इस ब्लॉक की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास निकालनी है, तो ब्लॉक की वी नॉट थी उसमें सेंटर ऑफ मास की माइनस कर दो, तो वी नॉट में से वी नॉट बाई टू गया, आ गया वी नॉट बाई टू, यानी वी नॉट बाई टू वेलोसिटी आ गई सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में, आ गई। इस ब्लॉक की किधर थी, इस ब्लॉक की रेस्ट पे था, तो रेस्ट पे था जीरो, मैंने सेंटर ऑफ मास की वी नॉट बाई टू इधर है तो इस ब्लॉक की आ गई वी नॉट बाई टू। बोला समझ में आया, शुरू में तो ये कहानी, शुरू में तो सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में ये कहानी, सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में बैठ गए तो ये दोनों ब्लॉक दूसरे की तरफ वी नॉट बाई टू से आ रहे हैं, नेचुरल लेंथ से स्टार्ट हुए। अब क्या होगा, अब सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में क्या होगा, सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में दो ब्लॉक दोनों वी नॉट बाई टू से इधर आ रहे हैं, तो जब मैक्सिमम कंप्रेशन आएगा दोनों ब्लॉक की स्पीड क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, जीरो हो जाएगी मैक्सिमम कंप्रेशन के टाइम पे। ये मैक्सिमम कंप्रेशन आ चुका है, सेंटर ऑफ मास तो भी वी नॉट बाई टू से ही चल रहा है, सेंटर ऑफ मास की स्पीड नहीं बदलेगी, लेकिन इसकी स्पीड सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में जीरो हो चुकी है इस ब्लॉक की, क्यों, मैक्सिमम कंप्रेशन आ चुका है अभी। बोलो मैक्सिमम कंप्रेशन, मैक्सिमम कंप्रेशन आ चुका है, सही बात है। सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में इनिशियल एनर्जी कितनी है, सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में इनिशियल एनर्जी हाफ एम वी नॉट बाय टू का होल स्क्वायर का डबल, हाफ एम वी नॉट बाय टू का होल स्क्वायर का डबल। और सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में फाइनल एनर्जी कितनी है, काइनेटिक तो खत्म हो गई, हाफ के एक्स मैक्स का स्क्वायर, बराबर कर दो वही आएगा आंसर जो वहां से आएगा, एक्स मैक्स की वैल्यू वही आएगी जो वहां से आएगी, एनर्जी बराबर कंजर्व है, कोई दिक्कत नहीं, सेंटर ऑफ मास की एनर्जी तो कॉन्स्टेंट ही है। अब क्या होगा, मैक्सिमम स्प्रिंग दब चुका है, तो मैक्सिमम दब चुका है तो स्प्रिंग अब खुलना शुरू होगा, स्प्रिंग खुलेगा तो नेचुरल लेंथ में आएगा, स्प्रिंग खुलेगा तो नेचुरल लेंथ में आएगा। ध्यान से देखो, ध्यान से, सेंटर ऑफ मास तो अभी वी नॉट बाय टू से ही चल रहा है, स्प्रिंग खुलेगा तो नेचुरल लेंथ में आएगा, आ गया नेचुरल लेंथ में, नेचुरल लेंथ पहले, अभी भी नेचुरल लेंथ आ गई, अभी भी क्या आ गई, नेचुरल लेंथ आ गई। अगर अभी भी नेचुरल लेंथ आ गई तो क्या होगा, क्या होगा बेटा, अब सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में, सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में देखो, नेचुरल लेंथ से दोबारा नेचुरल लेंथ पे आ गई, इलास्टिक कोलिजन, डिफॉर्मेशन खत्म, तो वेलोसिटी सेम, मास में इंटरचेंज, तो वी नॉट बाय टू, वी नॉट बाय इधर थी तो इसकी वी नॉट बाय टू इधर थी जो, और जो इसकी इधर, इसकी इधर थी तो इसको इधर मिल जाएगी, इसकी इधर थी तो इसको इधर मिल जाएगी, तो वी नॉट बाय टू इधर हो जाएगी और वी नॉट बाय टू इधर हो जाएगी। बोला समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, मैंने बता रखी है ये बातें, बता रखी है मैंने, सारी बातें बता रखी हैं, तो मुकर नहीं सकते, मुकर मत जाना, ठीक है। अब दोनों की स्पीड वी नॉट बाई टू, वी नॉट बाई टू इधर, तो दोनों ब्लॉक खुलेंगे, 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 मैक्सिमम इलोंगेशन आएगा,
क्या आएगा? मैक्सिमम एलॉन्गेशन। तो यहाँ तो फिर भी फिर से एनर्जी कितनी होगी? हाफ एम वी नॉट बाई टू का होल स्क्वायर का डबल से नेचुरल लेंथ स्प्रिंग खत्म हो गई ना। अच्छा अब फिर से मैक्सिमम एलॉन्गेशन आ गया, मैक्सिमम एलॉन्गेशन आ गया भैया, मैक्सिमम एलॉन्गेशन। तो क्या होगा? दोनों ब्लॉक रुक जाएंगे। अरे खुलते 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 मैक्सिमम कब खुलेंगे? दोनों ब्लॉक रुक जाएंगे सेंट्रोमास के फ्रेम में। सेंट्रोमास तो अभी भी वी नॉट बाई टू से ही चल रहा है। और एक बात मैं आपको बता दूं, ये तब तक इंटरचेंज होती है वेलोसिटी जब तक मास सेम होते हैं। मास अगर अलग अलग होते हैं तो इलास्टिक कोलिजन में E इक्वल टू वन वाली इक्वेशन से सॉल्व करोगे, ठीक है ना? ध्यान रखना इस बात का। मैक्सिमम एलॉन्गेशन आ गया तो कौन सी एनर्जी? अभी ये तो जीरो होगी दोनों, कैनेटिक तो इसी के फ्रेम में कैनेटिक जीरो होगी, तो कौन सी बची? हाफ के मैक्सिमम एलॉन्गेशन का स्केयर। बोलो सही बात है कि नहीं है? बिल्कुल है। अब मैक्सिमम खुल चुके हैं स्प्रिंग, तो स्प्रिंग अब दबना शुरू होगा, तो दोबारा नेचुरल लेंथ में आएंगे। अब इससे दोबारा इस सिचुएशन पे आ रहे हो, इलास्टिक कोलिजन है, वेलोसिटीज फिर से इंटरचेंज होंगी। इंटरचेंज होंगी तो क्या होगा? दोबारा नेचुरल लेंथ आ गई। इंटरचेंज होंगी तो क्या होगा? इसकी जो वी नोट बाई टू थी इसको मिल जाएगी इधर, सॉरी अपोजिट मिल जाएगी ना, तो इसकी इधर मिल जाएगी। इसकी वी नोट बाई टू इधर है तो इसको मिलेगी इधर, मिलेगी ना फिर। और इसकी वी नोट बाई टू इधर है, इसको मिलेगी तो इधर मिलेगी। दोबारा वहीं आ गए, देखो जहां से शुरू किया था, एक चक्कर कंप्लीट हो गया। तो सेंट्रोमास के फ्रेम में दोनों ब्लॉक्स क्या कर रहे हैं? ऑसिलेट कर रहे हैं। इन सेंट्रोमास फ्रेम बोथ ब्लॉक्स विल ऑसिलेट। बोलो समझ में आया कि नहीं? और आगे जाके पता भी लग जाएगा एसएचएम कर रहे हैं। एसएचएम क्या होता है, क्या उनसी बला, आगे जाके बताऊंगा। फिलहाल आया समझो ऐसे ऐसे ऑसिलेट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? ऐसे ऐसे ऑसिलेट कर रहे हैं, ठीक है। इधर वी नोट बाई टू वेलोसिटी थी ब्लॉक की, ये देखो यहाँ तक, तो इधर वी नोट बाई टू वेलोसिटी थी, ठीक है। फिर वेलोसिटी वी नोट बाई टू थी, वी नोट बाई टू से जीरो हुई, यहाँ जीरो हो गई, सही है। फिर जीरो से दोबारा किधर हुई? वी नोट बाई टू हुई इधर, ठीक है। फिर वी नोट बाई टू से इधर क्या हुई? जीरो हुई। फिर दोबारा इधर वी नोट बाई टू हो गई। तो देखो ये ब्लॉक वी नोट बाई टू से जीरो वेलोसिटी, इधर मैक्सिमम डबल खुला, फिर वी नोट बाई टू से दोबारा वी नोट बाई टू इधर आया, फिर इधर जीरो वेलोसिटी, फिर वापस आया। तो ऐसे ऐसे क्या कर रहा है? ऑसिलेट कर रहा है। दोनों ब्लॉक्स, बोथ ब्लॉक्स विल ऑसिलेट इन सेंट्रोमास फ्रेम, इन सेंट्रोमास फ्रेम। समझ में आया? तो मैंने जो भी करा है किसके फ्रेम में करा? इन सेंट्रोमास फ्रेम। और जो पहले किया था वो किस फ्रेम में किया था? ग्राउंड फ्रेम में। दोनों से आंसर सेम आएंगे। मैं एक क्वेश्चन कराता हूँ आपको इसके बाद, उसी क्वेश्चन को मैं सेंट्रोमास के फ्रेम में करूंगा, उसी क्वेश्चन मैं ग्राउंड फ्रेम में करूंगा, दोनों से आंसर सेम निकाल के दिखाऊंगा।